प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुबेदार नरेश कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। दोस्तों बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर काफ़ी यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आ गई है या आने वाली है, और कुछ बोलते हैं कि सर पोर्टर की भर्ती आ रही है, हिमाचल की आ गई है। देखिए दोस्तों, कई यूट्यूबर हैं, कई तो नहीं, दो यूट्यूबर मेन हैं जिसने, एक तो है टेरिटोरियल आर्मी की, उसने कसम खा रखी है कुछ भी हो जाए एक या दो वीडियो उसने डेली टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर डालनी है, और हर भर्ती में बताना है, हर वीडियो में बताना है कि भर्ती आ गई है। जबकि पिछले साल उसने बोला था कि अप्रैल में आएगी, और एक यूट्यूबर ने तो बोला था कि अगर भर्ती नहीं आई तो मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा। एक साल हो गया कोई भर्ती नहीं आई है। देखिए दोस्तों, आप हमारे बच्चे की तरह हो, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आनी नामुमकिन है, मुश्किल से कोई आ गई तो आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए आप अपनी दूसरी जगह भर्ती देख लीजिए, दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आर्मी के चक्कर में बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि सिर्फ मेरे को तो आर्मी में ही जाना है। पहले जीडी में जाते थे, फिर ट्रेडमैन में, एज 23 साल तक थी, दोबारा डॉक्यूमेंट बनवा लेते थे, अगर भर्ती नहीं है तो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते थे, लेकिन दूसरी कहीं भर्ती नहीं देखते थे, न वो जीडी में भर्ती हो पाते थे, न ट्रेड्समैन में और न टीए में, और उनका लाइफ बेरोजगार में ही गिनती होता था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, टेरिटोरियल की भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है, कहीं दूसरी जगह आप अपनी भर्ती देख लीजिए। दूसरा, एक यूट्यूबर है डेली बोलता है हिमाचल पोर्टर की भर्ती आ गई है, आ रही है, आने वाली है, एक तारीख से है, कभी 10 तारीख से है। देखिए पोर्टर की अभी सिर्फ एक ही भर्ती आई है, 8 और 9 मार्च की थी, इसके ऊपर मैंने ही सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई थी। काफ़ी यूट्यूबरों ने तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, और लड़के जो थे वो कन्फ्यूजन हो गए कि ये भर्ती फेक है, जबकि इसके अंदर काफ़ी वैकेंसियां हैं। 800-900 लड़के ही गए थे, और वहाँ इनका फिजिकल भी नहीं लिया गया, इनके डॉक्यूमेंट ले लिए और बोल दिया गया कि आपको कॉल कर दिया जाएगा। दोस्तों 1 तारीख से उम्मीद थी कि आपको, आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी 7-8 तारीख होने वाली है, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, और आप लोगों को बहुत जल्दी कॉल कर दिया जाएगा, क्योंकि बर्फ़ गिरना भी बंद हो गया है, रास्ते खुल गए हैं, और वहाँ पोस्टों के ऊपर सामान चढ़ाया जा रहा है। पोस्टर का काम है जो सामान होता है पोस्टों के ऊपर, बॉर्डर पे के ऊपर जो पोस्ट हैं आर्मी के, उनके ऊपर आपको सामान पहुंचाना पड़ता है, और ये कोई परमानेंट भर्ती ही नहीं है। जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाता है। लेकिन कुछ ट्रेड इसमें ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक का है, वाशरमैन का है, कुक का है, सफाई वाला है, अगर आप जाके ये काम पकड़ लेते हो तो आपको वहाँ पर 1 साल तक रखा जाएगा, और 1 साल बाद आपको एक बार घर भेज दिया जाएगा, और दोबारा आपको बुला लिया जाएगा, दोबारा से कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। पोर्टर के अंदर आप 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास हो तो जा सकते हो। इसके अंदर एज लिमिट रहता है 18 साल से लेके 42 साल तक, फिजिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर बंदे ज़्यादा जाते हैं, वैकेंसियाँ कम है, तो आपका 1600 मीटर का रनिंग भी करा लिया जाता है, और वहाँ पर आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आईएलटी है, सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है। और जिसका एज 30 साल से ज़्यादा है तो उसको 1600 मीटर में 6 मिनट से भी ज़्यादा टाइम दिया जाता है, एज के हिसाब से टाइम दिया जाएगा। 30 साल तक एज है तो आपको 6 मिनट, 30 साल से आपकी ये 40 साल तक है तो और ज़्यादा टाइम, और 40 से 42 तक है तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता। तो दोस्तों अभी तक कोई पोर्टर की भर्ती नहीं है, कोई टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं है। जो पिथौरागढ़ की भर्ती हुई थी उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, जैसे वेरीफाई हो जाएंगे आपको कॉल कर दिया जाएगा। इसलिए आप किसी भी बातों में गुमराह मत होना, किसी की बातों में मत आना।